कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका makerasoso.com में। दोस्तों आज हम भरवा करेला की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और ये होंगे नारियल और मूंगफली भरे हुए करेले। दोस्तों स्टफ्ड करेले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कुछ लोगों को कड़वापन की शिकायत रहती है मगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही कड़वे नहीं लगेंगे। और स्टफ्ड करेले की एक और ही बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, चने की दाल भरे हुए करेले। बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन आज हम नारियल और मूंगफली भर के बनाने जा रहे हैं ये भरवा करेले। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, कुछ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाते हैं नारियल मूंगफली भरे हुए स्टफ करेले। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक छोटा सा कच्चा आम था उसका आधा आम ले लिए हैं। अगर कच्चा आम ना हो तो अमचूर डाल सकते हैं एक चम्मच। और इसमें ये भुनी हुई मूँगफली है लगभग खाने के चम्मच से 3 चम्मच, नारियल है खाने के चम्मच से 3 चम्मच नारियल का बुरादा। फ्रेश नारियल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है पर हमेशा फ्रेश नारियल अवेलेबल नहीं होता है तो हम इसी के साथ बना रहे हैं। तो अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे थोड़े से पानी के साथ, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो ये नारियल मूंगफली और कच्चे आम का पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। ज़्यादा पानी डालकर नहीं तैयार करना है वरना भरने में दिक्कत होगी। और ये पेस्ट हम इस बोल में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे। ये कुटी हुई धनिया है हाफ छोटी चम्मच के करीब, भुना हुआ नहीं है कच्चा कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ जीरा ये भी कच्चा, ये दोनों हाफ चम्मच थे और ये सौंफ ज़्यादा है 1 चम्मच, इसे भी कूट लिए हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट 1/2 चम्मच से कम है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप इसमें थोड़ी सी चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, वैसे नारियल और मूंगफली की मिठास रहती है तो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो स्टफिंग तैयार हो गई है, सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। और ये 5 करेला लिए हैं, 1 साइज़ के करेले हैं, लगभग 1 साइज़ के हैं, 1 बराबर मोटाई के वरना पकने में दिक्कत होगी। और इसको हम छील कर, और देखिए इसके सिरे काट लिए थे धोकर, और हल्दी और इमली के पानी में भिगो लिए थे, 1 घंटा पहले भिगो लिए हैं। तो अब इस पानी को निकाल लेते हैं। स्टफिंग में हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, हरी धनिया डालने भूल गए थे तो इसे डाल के इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब जाके ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। करेले का पानी हम इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब इसमें बीच से चीरा लगाएंगे, बहुत मुलायम करेला है तो इसलिए हम इसके बीज नहीं निकाल रहे हैं। तो ये सारे करेले में हम स्लिट लगा लिए हैं। अब एक काम और करना है भरने से पहले, इस सब में थोड़ा सा हम नमक ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसा करने से जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आती है। सभी में ऐसे नमक लगा देंगे, क्योंकि अंदर लगा रहे हैं तो इसलिए आप फिलिंग बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि नमक ज़्यादा ना हो। तो सारे करेले में चीरा लगा के और नमक छिड़क के हम रख लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके भर लेते हैं। तो सारे करेले हम भर लिए हैं इसी तरीके से, स्टफिंग हमारी बच गई है। इसमें 4-5 करेले और भर जाएंगे तो इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब भी बनाना होगा तो आराम से बन जाएगा, स्टफिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम गैस पर रखते हैं पैन और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, 3 चम्मच के करीब। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ये करेले डाल देते हैं और इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे, क्योंकि साबुत करेले हैं थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। इसका ढक्कन लगा देते हैं और धीमी आंच पर
उलट पलट के चारों तरफ से ब्राउन हो जाए इस तरह से पका लेंगे। दोस्तों 10 मिनट बाद हम ये करेले को पलट लिए थे, एक साइड से ये देखिए ब्राउन हल्का सा हो गया है, तो अब इसे हम पलट के पका ले रहे हैं। बहुत एकदम सेम आंच पर हम इसको पकाए हैं और बीच बीच में एक दो बार बिल्कुल आंच बंद भी कर दिया, ऐसा लगा कि जलने ना लगे और पके ना, पता चले ज़्यादा जल जाए और अंदर से कच्चा हो, इसलिए दो बार जो है आँच बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा हो गया, आँच टेम्परेचर कम हो गया तो उसके बाद फिर हम गैस ऑन कर दिए हैं। तो अभी हम दूसरे साइड से पका लेते हैं इसे, 5-6 मिनट और लगेंगे। 215-16 मिनट हो चुके हैं और करेले हमारे पकने को ही हैं, तो ये थोड़ी सी हरी मिर्चें स्लिट करके डाल रहे हैं। हरी मिर्चें इसके साथ करेले के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और थोड़ा सा इसे ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छा सा ब्राउन हो गया है और जो मसाला था वो निकला नहीं है। बस तो करेले हमारे पक चुके हैं, गैस बंद कर देते हैं और इन्हें इस सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी करेले की स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आई है। आप भी इस तरह से इस ट्रिक को आजमा कर बनाइएगा। भरवां जो भी सब्जियां हैं कोई धागा वागा बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हम ये जो मिर्च हम लास्ट में डाले थे थोड़ा सा इसे डाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार हो गई करेले की ये नई रेसिपी, नारियल और मूंगफली भरे हुए करेले, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप जल्दी से ट्राई करिए, चपाती और फुलके पराठे किसी भी रोटी के साथ ये बहुत टेस्टी लगेगा। ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।